और दोस्तों क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू फिक्स स्विच ऑफ प्रॉब्लम। ये डिवाइस स्विच ऑफ नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ होने का दो प्रोसेस बताऊंगा, एक है मैनुअली, दूसरा है ऑटोमेटिक। जब हम पावर बटन दबा के फोन स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं तब गूगल असिस्टेंट का पॉपअप दिखाई देते हैं। दोस्तों शायद डिवाइस सेटअप करने के समय गलती से ये सेटिंग्स एक्टिवेट हो गया था। पावर बटन को 0.5 सेकंड तक दबाए रखने से गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू पावर बटन को दबाए रखेंगे तब 4-5 सेकंड बाद रिबूट या पावर ऑफ करने का ऑप्शन चले आएगा। फिर यहाँ से आप अपना डिवाइस को स्विच ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको गूगल असिस्टेंट ऑफ करने का सेटिंग्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे नीचे आइए। नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग्स पर टैप करना है। इसके बाद गेस्चर शॉर्टकट, यहाँ आपको गूगल असिस्टेंट ऑफ करने का सेटिंग्स मिल जाएगा। इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम से जब हम पावर ऑन दबाएंगे तो एक गूगल असिस्टेंट का पॉपअप नहीं आएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिक पावर ऑन ऑफ कैसे करें। ऑटोमेटिक पावर ऑफ सेट करने के लिए यहाँ फोन सेटिंग्स में जाके फाइंड करना है पावर ऑन। अब ये जो इंस्ट्रक्शन आया है इस पर क्लिक करते ही सीधा पावर ऑन ऑफ सेटिंग्स में चले जाएंगे। फर्स्ट पावर ऑन टाइम टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद पावर ऑन टाइम सेट करना होता है। यहाँ से आप एवरी डे या हफ्ते में एक दो दिन चूज कर सकते हैं। पावर ऑन टाइम सेट करने के बाद इसी तरीके से ऑटो पावर ऑफ टाइम सेट कर देना है। दोस्तों अब डिवाइस ऑटोमेटिक सुबह 7 बजे ऑन हो जाएगा और रात 11 बजे बंद हो जाएगा। अगर आपको ऑटोमेटिक पावर ऑन ऑफ वाला फीचर्स नहीं चाहिए तो यहाँ से इन दोनों सेटिंग्स को ऑफ कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।